हेलो एंड वेलकम टू आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ और बातें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ाया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये किस क्लास में पढ़ाया जाता है सिलेबस को डाउनलोड करके आप इस बात को पता कर सकते हैं ध्यान रखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी क्लासेस के लिए है बीएससी क्लासेस को बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का और उसमें भी प्रोटोन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा यानी वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम टच करते हुए निकलेंगे वो है नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विब प्रोटोन्स होमोटॉपिकोटोन्स प्रोकाइर कार्बन एनशियोटॉपिक हाइड्रोजेंस और डायस्टिटॉपिक हाइड्रोजन्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे ध्यान रखिए कि इनमें से कईयों के ऊपर जो है वो एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले uh, हम पता कर लें हम जान लें कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें कौन से खास चार इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं पहला है नंबर ऑफ सिग्नल्स यानी संकेतों की संख्या दूसरा है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स यानी संकेतों की स्थिति तीसरा है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स यानी संकेतों का विभाजन और चौथा है एरिया अंडर द पीक आने वाले वीडियोस में हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एक स्पेक्ट्रम को देखते ही जैसे कि हमने ये एक कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम देखा तो सबसे पहले नजर पड़ती है कि संकेतों की संख्या कितनी है यहाँ हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक और ये दो दो spectrum, दो स्पेक्ट एनएमआर संकेत हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल की बात करें यानी वो उनकी स्थिति क्या है और उनकी स्थिति को यहाँ पर नीचे आप देखिए नंबरों के द्वारा दिखाया गया है और इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे ये डेल्टा और टॉ स्केल होते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जो आने वाले वीडियोस में बात करेंगे इसके अलावा जो तीसरी बात है वो है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स का अर्थ क्या है यानी कोई भी संकेत है वो कितने उप संकेतों में स्प्लिट या विपाटित हो जाता है आप देख सकते हैं ये जो ये जो संकेत है वो एक दो तीन और चार और पांच यानी इधर की तरफ दो और इधर की तरफ दो या पांच में संकेतों में पांच उप संकेतों में विपाटित हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी संकेत है वन टू थ्री फोर फाइव ये भी फाइव में ये स्प्लिट हो चुकी है तो ये दोनों पेंटेट हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले में देखें ये संकेत जो है वो तीन संकेतों में विपाटित हो चुका है ये भी तीन में विपाटित हो चुका है और ये काफी एक मल्टीप्लेट है जिसके जो सिग्नल्स है वो दो या तीन से ज्यादा हैं एरिया अंडर द पीक का मतलब है कि कोई भी जो संकेत है वो कितनी जगह घेर रहा है और जितनी ज्यादा जगह वो घेरेगा उसका मतलब उस संकेत को प्रदान करने वाले हाइड्रोजन की संख्या उतनी ही अधिक है आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स में के बारे में और उससे संबंधित जो हमने टॉपिक्स एकदम स्टार्टिंग में देखे थे वो इसी के अंडर में आते हैं हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स की नंबर ऑफ सिग्नल्स यानी संकेतों की संख्या जो होगी वो डिपेंड करता है कि आ, संकेतों की संख्या बराबर होगी कि कितने विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स उस यौगिक में हैं जिस यौगिक का हमने एनएमआर स्टडी किया है जैसे हम सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल का इथेनॉल का फॉर्मूला है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इसमें एक दो तीन चार पांच और छह सभी एक जैसे है जी नहीं सभी प्रोटोन एक जैसे नहीं है ओ एच OH प्रोटोन जो है वो ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये अलग है ये सी एच टू प्रोटोन है क्योंकि यह उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके एक साइड में ओएच OH है दूसरी साइड में सी एच थ्री है ये तीसरे तरह का प्रोटोन है जो सी एच थ्री समूह से जोड़ा हुआ है ये तीनों सी एच थ्री समूह को बना रहा है तो ये सी एच थ्री प्रोटोन है जो सी एच टू प्रोटोन से अलग है और वो सी एच टू प्रोटोन से अलग है तो तीन तीन प्रकार के से तीन रंगों से रंगों दिखाए गए हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि इथेनॉल का जो एनिमाल स्पेक्ट्रम होगा उसमें तीन प्रकार के संकेत है तीन संख्या में संकेत है एक दो और तीन ये तीन संकेत हैं और ये संकेत जो है सभी एक ही तरह से विपाटित नहीं है एक ट्रिपलेट है यानी तीन में बटा हुआ है स्प्लिट है दूसरा जो है चार में विपाटित है और जो तीसरा संकेत यहाँ पर आप देख सकते हैं वो विपाटित है ही नहीं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं उतनी संख्या में निर्माण में संकेत प्रदान होंगे प्राप्त होंगे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते ले हैं ये है इथल टू क्लोरोनेट आप देख सकते हैं इसका अगर फॉर्मूला हम लिखें सी एच थ्री सी एच सी एल सीओ ओ सी एच टू सी एच थ्री अब इसमें देखिए कि कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं ये जो सी एच थ्री है वह सी एच सी एल से जुड़ा हुआ है ये सी एच थ्री सी एच टू से जुड़ा हुआ है यानी इसके आसपास का जो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण होगा इसके आसपास क्लोरो है जबकि इसके साथ में साथ वाले कार्बन पे सी एच टू ही है तो इसके आसपास जो क्लोर जो इलेक्ट्रॉन्स का वातावरण होगा और इसके आसपास इस सी के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का वातावरण होगा वो एक समान नहीं है यही वजह है इसी कारण से ये सी एच ये सी दोनों जो है जो अलग रंग से यहाँ पर दिखाए गए हैं वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है और एक दूसरे से भिन्न संकेत प्रदान करेंगे ये सी एच है इसी कार्बन से सी एल भी जुड़ा हुआ है और ये सी एच टू है जो इन सभी से अलग है तो कुल मिला के इन चारों जो प्रोटोन्स है उनको मैंने अलग अलग रंग से दिखाया है सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये चार अलग अलग प्रोटॉन्स हैं तो जितने तरह के प्रोटॉन्स हैं उतने संख्या उतनी संख्या में एनएमआर संकेत एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त होंगे तो इस कंपाउंड का जो हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम देखा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार संकेत हैं बिकॉज देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड और जिस अगर प्रोटॉन एक जैसे हैं एक प्रकार के जो प्रोटॉन होंगे वो एक ही संकेत प्रदान करेंगे क्यों क्योंकि ये रासायनिक रूप से मैग्नेटिक रूप से त्रिविम रूप से वो एक होते हैं एक समान होते हैं इसलिए एक समान या एक प्रकार के प्रोटोन एक ही स्थान पर एक ही संकेत देते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोन अलग अलग स्थान पर उस एनम स्पेक्ट्रम में अपनी संकेत अपने संकेत प्रदान करते हैं <coughs> अब बात करते हैं हम एक्सक्यूज मी इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे नॉन इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे नहीं होना इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही स्थान पर एनएमआर सिग्नल प्रदान करते हैं अवशोषण प्रदर्शित करते हैं ये जो इक्विवेलेंट प्रोटोन्स होते हैं उनके कपलिंग यानी युग्मन स्थिरांक का मान एक समान होता है अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इक्विवेलेंट प्रोटोन्स वो प्रोटोन होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल और त्रिविम रासायनिक यानी स्टीरियोकेमिकल वातावरण एक जैसा होता है बात कर रहे थे कि इक्विवेलेंट प्रोटोन्स के कपलिंग कांस्टेंट जे का मान एक जैसा होता है अब कपलिंग कांस्टेंट क्या है कपलिंग कांस्टेंट तब प्राप्त होता है जब कोई भी आ, संकेत दो या दो से अधिक उप संकेतों में विपाटित हो जाए जैसा कि ये नीले रंग सा जो एनएमआर संकेत दिखाया गया है ये दो में विपाटित है तो इन दोनों जो उप संकेत है मल्टीप्लेट के जो सिग्नल्स है मल्टीप्लेट कहा जाता है यानी बहुक कहा जाता है ये जो मल्टीप्लेट के ये दोनों संकेत है इनके बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं जे उसको जे से प्रदर्शित किया जाता है जे का यहाँ पर आप देखिए कि एक और संकेत है जो चार में विपाटित है ये क्वार्टेट है और चतुष्क है और इसके जो बीच की दूरी है वो एक समान है और एक मल्टीप्लेट के जो उप संकेत होते हैं उनके बीच की दूरी फिक्स होती है और ये उसको भी हम जे से प्रदर्शित करते हैं ये जो जो है वो हर्ड्स में नापा जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो निर्भर करती है के प्रोटोन का संरचनात्मक स्थिति उस मॉलिक्यूल में किस प्रकार से है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के ऊपर वह निर्भर करता है जे का वैल्यू नॉन इक्विवेलेंस नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन जो होते हैं वो अलग अलग संकेत प्रदान करते हैं और इक्विवेलेंट प्रोटोन एक ही संकेत प्रदान करते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन एनएमआर में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग संकेत प्रदान करते हैं इस बात को समझने के लिए इस उदाहरण को ले लेते हैं हम यहाँ भी हमने सबसे इजी एग्जांपल इथेनॉल का लिया हुआ है इसमें आप देखें कि ये सी एच थ्री प्रोटोन सी एच टू प्रोटोन से अलग है और सी एच टू प्रोटोन ओ OH एच प्रोटोन से अलग है जैसे कि हमने इससे पहले देखा था तो ये जो सी एच थ्री प्रोटोन है वह सी एच टू प्रोटोन से जो उसका रिश्ता है वो है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन का ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन है इनको मैंने इसे अलग रंग से दिखाया हुआ है उसी प्रकार से ओ OH एच प्रोटोन और सी एच डी प्रोटोन की अगर बात करें वो दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं क्योंकि वो अलग प्रकार से उनका रासायनिक स्थिति है एक सी एच है दूसरा ओ OH एच है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री उनका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज टोटली एक दूसरे से अलग है लेकिन जब हम सी एच प्रोटोन की बात कर रहे हैं तो सी एच थ्री प्रोटोन के तीनों प्रोटोन एक जैसे हैं इसलिए इनको इक्विवेलेंट प्रोटोन कहा जाता है तो सी एच समूह में तीन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसी प्रकार से CH2 समूह में दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को हम समझाते हैं अब ये जो CH3 प्रोटॉन है वह तीनों के तीनों प्रोटॉन एक ही स्थान पर एक ही संकेत देंगे CH2 प्रोटॉन ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है वे एक ही स्थान पर एक ही संकेत देंगे लेकिन जहां CH3 देंगे संकेत उसी जगह पे

संकेत प्रदान करते हैं एक्सक्यूज uh, कैसे पहचान करेंगे हम इनकी यदि इक्विवेलेंट प्रोटोन्स को हम किसी अन्य समूह Z के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं उनको तो फिर हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो uh, एक जैसा प्राप्त होगा सेम कंपाउंड प्राप्त होंगे और वो uh, जो इक्विवेलेंट uh, प्रोटोन्स होते हैं वो एन में सेम सिग्नल प्रदान करते हैं जैसे इस एग्जाम्पल को लीजिए यहाँ पर छह प्रोटोन है दो सी एच टी ग्रुप ये दोनों सी एच टी ग्रुप के प्रोटोन एक समान है उसको पता करने के लिए हमने इनके पहले इसके हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस किया फिर इसके हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस किया या देखिए हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिले हैं अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे कंपाउंड्स हैं सी एच टू जेड सीओ सी एच टी ये है सी एच टू जेड सीओ सी एच टी ये दोनों सेम कंपाउंड्स दे रहे हैं उसका मतलब ये जो आ, सी एस टी हाइड्रोजन है और ये सी एस टी जिनका हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था उनको Z से ये क्योंकि सेम कंपाउंड दे रहे हैं रिप्लेसमेंट के बाद तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही समान है ये दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है ये सी एस टी और ये सी एच टी प्रोटोन्स इक्विवेलेंट है इसलिए ये एक ही स्थान पर एक ही संकेत प्रदान करेंगे ठीक इसके विपरीत जो है वो हाइड्रोटॉपिक प्रोटोन्स होते हैं ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं रासायनिक रूप से ये एक समान नहीं होते हैं अगर हम इनको किसी अन्य ग्रुप Z के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो ये विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स हमें उत्पाद के रूप में देंगे और क्योंकि ये भिन्न मॉलिक्यूल्स देंगे इसलिए इनका इनमार में डिफरेंट सिग्नल आता है एक तो दूसरे से अलग स्थान पर सिग्नल आता है अलग प्रकार का सिग्नल आता है इस तरह के प्रोटॉन्स को हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं देखिए एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर सीएच टी ओ एच का और सी एच टी ओ एच के इस जो हाइड्रोजन को अगर हमने किसी Z से Z समूह से रिप्लेस किया तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा और इस हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस किया तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा Z से अगर हमने रिप्लेस किया इन दोनों को अगर हम देखें स्टडी करें तो देखेंगे ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है जबकि यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड सेम थे तो ये क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं इसीलिए एनएमआर में ये दोनों प्रोटोन्स जो है अलग अलग सिग्नल देंगे क्योंकि ये प्रोटॉन्स हैं इसकी पहचान ये है कि ये अलग अलग यौगिक दे रहे हैं जब हमने एच को जेड से रिप्लेस किया तब तो ये हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एनमआर में अलग अलग सिग्नल्स प्रदान करते हैं होमोटॉपिक जब जबकि जब अः में एक ही सिग्नल प्रदान करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में देखिए ये हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये एन प्रोपेन का है और इसमें आप देखें कि ये सी एच टी और ये सी एच टी एक समान है क्योंकि इन दोनों का नेबर जो है वो सी एच टू है ये सी एच टी सी एच टू से बॉन्डेड है ये सी एस टी भी सी एच टू से बॉन्डेड है तो ये सी एस टी और ये सी एस टी सेम है और ये अलग है उनसे सी एच टू है तो ये हमने इनको ए बी से मार्क uh, किया है ताकि आपको समझ में आए दो प्रकार के यहाँ पर प्रोटोन्स हैं एक सी एच थ्री प्रोटोन और एक सी एच टू प्रोटोन्स और दो एन एम आर सिग्नल आएंगे इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है यहाँ सी एच थ्री सी एच टू बी आर लिया है ये सी एच थ्री जो है वो सी एच टू से बॉन्डेड है और ये सी एच टू जो है वह एक तरफ ब्रोमो से और एक तरफ से मिथल से बॉन्डेड है तो ये इसका एनवायरनमेंट, इसका वातावरण और इसका वातावरण एक दूसरे से अलग है क्योंकि ये एक ब्रोमो से जुड़ा हुआ है जबकि ये ब्रोमो से जुड़ा हुआ नहीं है तो इनके आस आसपास का जो वातावरण टोटली अलग है और ये समूह भी एक दूसरे से अलग है इसीलिए ये दो अलग अलग प्रकार के समूह होने के कारण दो एन एम आर सिग्नल देंगे क्योंकि सी एच थ्री और सी एच टू प्रोटोन हेट्रोटॉपिक और नॉन इक्वेबलेंट प्रोटोन है एग्जाम्पल हम ये वाला देख रहे हैं इसमें जो एरोटिक रिंग है इसमें चार प्रोटोन्स हैं बाकी दो प्रोटोन्स को दो अलग ग्रुप्स, एक को फ्लोरो और दूसरे को नाइट्रो से रिप्लेस कर दिया गया है इस मॉलिक्यूल को अगर प्लेन से, से बांटे तो हम देखेंगे कि ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा एक जैसा इसको अगर हम सॉरी इसको अगर हम यहाँ से बांटे तो हम देखेंगे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग है अः सेम सेम है और अगर हम इसको यूं बांटे तो हम देखेंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे से अलग है क्योंकि अगर हम इसको यू बांटते हैं तो यहाँ फ्लोरो है जबकि यहाँ नाइट्रो है तो वो सेम नहीं है अगर हम इसको यू करके बांटते हैं इस तरह से वर्टिकल लाइन से इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखेंगे कि ये जो हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर है तो यानी ये एच ये एच सेम है और ये जो एच और ये एच सेम है लेकिन एच ए और एच बी एक दूसरे के बराबर नहीं है ऐसा क्यों आप इसको बोलकर भी पता कर सकते हैं देखिए ये हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरो के ऑर्थो है और नाइट्रो के मेटा है ये हाइड्रोजन फ्लोरो के ऑर्थो है और नाइट्रो नाइट्रो के मेटा है तो दोनों में हमने सेम चीज बोली है तो यानी ये दो हाइड्रोजन एक जैसे है ये जो हाइड्रोजन है ये और ये नाइट्रो के ऑर्थो पे है और फ्लोरो के मेटा पे है ये भी नाइट्रो के पे है फ्लोरो के मेटा पे है। हमने दोनों बारे एक चीज तो मतलब हाइड्रोजन है वो एक जैसे है कुल <सथिवस्थ> मिला के इस एरोमेटिक कंपाउंड में दो अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन हैं, जो एच है ए और एच बी से हमने डिनोट किया है तो ये दो जो एच ए है वो होमोटॉपिक है ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे ये एच बी ये आपस में होमोटॉपिक है ये दूसरा सिग्नल देंगे लेकिन एच ए और एच बी एक दूसरे के साथ हेट्रो हैं है इसलिए वो अलग अलग सिग्नल देंगे जो नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो सी एच टू सी एच सी एल है तो अगर आपने इसको खोलकर इस प्रकार से नहीं देखा नहीं लिखा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सी एच है तो दोनों हाइड्रोजन जो है एक जैसे हैं लेकिन क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे नहीं होंगे क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं किमिस्ट्री है, है ये जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के सिस है जबकि इस क्लोरो के वो ट्रांस है तो ये एच ए एच बी के सिस में है जबकि ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरो के सिस में है तो इस सी एच टू के दोनों हाइड्रोजन एक समान नहीं है क्योंकि ये इस हाइड्रोजन के पास है और ये हाइड्रोजन इस क्लोरो के पास है तो इन दोनों के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व और uh, मैग्नेटिक जो वातावरण है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे यानी सी एच टू के दोनों हाइड्रोजन एक जैसे नहीं होंगे एक इसके ट्रांस है और दूसरा इसके सिस है अब ये जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जहां पर क्लोरो है तो ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होगा वो तीन तरह के सिग्नल देगा इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आते हैं तो मॉलिक्यूल को आप हमेशा खोलकर लिखिएगा जिससे आपको पता पड़ेगा और आप सिमेट्री भी नोट कीजिएगा जैसे हमने यहाँ से अगर मॉलिक्यूल को बांटा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम नहीं है लेकिन अगर हमने यहाँ से इस मॉलिक्यूल को बांटा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है और उसका फिर हम रिलेशन जैसे हमने ऑर्थो और मेटा का देखा था उन सबको देखते हुए हम हेट्रोटॉपिक होमोटॉपिक का पहचान हम कर सकते हैं अब बात करते हैं कार्बन के और इनशियोटॉपिक हाइड्रोजन के बारे में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में हमने एग्जाम्पल लिया है ये वाला इसमें आप देखें जो ये सी एच टू हाइड्रोजन है देखिए कायरल कार्बन कौन सा होता है कारे, कार्बन कायरल कार्बन वो होता है जिसमें चार अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हुए हो और प्रोकायरल कौन सा होता है जिसमें तीन अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हुए हों आप यहाँ पर देखे जो सीएच टू है वो कार्बन में तीन प्रकार के ग्रुप्स जुड़े हुए है। हैं एक है बी आर एक है सी एच टू सी एच थ्री और दो है हाइड्रोजन तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो तीन प्रकार के ग्रुप वन टू एंड सी एच थ्री ये तीन अलग अलग प्रकार के ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं इसलिए ये कार्बन प्रोकाइरल प्रोकाइरल है है प्रो है का अर्थ है कि उसमें से अगर एक समान समान जो समूह उनको हटाकर एक और ग्रुप अलग से लगा दिया जाता है तो वो कायरल बन जाता है जैसे कि हमने यहाँ दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को अगर हटाया उसकी जगह जेड लगाया तो हम देखेंगे कि इस कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप जुड़ चुके हैं और ये कायरल बन चुका है तो कायरल से पहले वाली स्थिति को कहते हैं प्रोकायरल कार्बन और प्रोकाररल कार्बन से जुड़े हुए जो दो हाइड्रोजन होते हैं उनको कहते हैं हम इनशियोटॉपिक हाइड्रोजन इनको इनैंशियोटॉपिक हाइड्रोजन क्यों कहते हैं क्योंकि अगर हमने इन हाइड्रोजन को किसी अन्य ग्रुप जेड के द्वारा रिप्लेस किया तो जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो इनश्योमर्स होंगे इनशोमर्स किसे कहते हैं इनश्योमर्स जो है वो एक दूसरे ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के समावयवी हैं और एक दूसरे के आइसोमर तो समावयवी होते हैं और एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऑप्टिकल समावयवी प्रकाशिक समावयवी हैं और एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप भी हैं याद रखिए है, कि हर जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप हैं उन्हें कहते हैं हम इनाशोमर्स और वो ऑप्टिकल uh, आइसोमर्स जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है उन्हें कहते हैं हम डायस्टेरियो आइसोमर्स उन्हें डायास्टीरियो आइसोमर के नाम से पुकारा जाता है आइसोमर की खासियत क्या है आइसोमर में एक से ज्यादा कायरल एटम्स होते हैं इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाले जो स्लाइड में उसको देखेंगे अब बात कर रहे हैं जो आखिरी बात इसमें मुझे बतानी है आपको कि जो इनशियोटॉपिक हाइड्रोजन है यहाँ देखिए ये इनशियोटॉपिक हाइड्रोजन है क्योंकि इनमें से एक हाइड्रोजन को जब हमने किसी और ग्रुप से रिप्लेस किया तो हमें इनेंशोमर हमें प्राप्त हुआ ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक हाइड्रोजन जो है वो एक एनएमआर संकेत एक ही स्थान पर सिग्नल प्रदान करते हैं ये आपने को याद रखना है जो हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन जिनका हम रिप्लेस करते हैं किसी और ग्रुप Z से और उसको रिप्लेस करने के बाद हमें डायास्टीरियोमर्स मिलेंगे तो ऐसे हाइड्रोजन को हम डायास्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन कहते हैं और डायस्टीरियोमर कौन सा था मैंने आपको बताया था ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है ऐसे भी कैसे एग्जांपल होते हैं लेट अस सी दैट ये देखिए अपने पास ये मॉलिक्यूल है और इसमें एक कायरल एटम पहले से उपस्थित है CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है H जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है और ये सी एच टू सी एच ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये एक दो तीन और ये चौथा ये चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है लेकिन जब हम इस सी एच टू की बात करें इसमें दो ग्रुप एक जैसे हैं। हमने बात की थी कि ऐसा कार्बन जो जिसमें दो कोई समूह एक जैसे हो यानी जिसके साथ तीन अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हुए हों यहाँ है हाइड्रोजन मिथल और यहाँ पर सी एच ओ एच सी एच सी ये तीन अलग अलग प्रकार के समूह इससे जुड़े हुए हैं तो ऐसे वाले कार्बन को हम कार्बन कहते हैं और इसमें जो दो हाइड्रोजन है वह उनको अगर हमने रिप्लेस किसी और ग्रुप से Z से रिप्लेस कर दिया तो ये जो कार्बन है वह कायरल कार्बन में परिवर्तित हो जा रहा है यहाँ आप ध्यान दीजिए कि हमने जो कायरल कार्बन है उसको लाल रंग से दिखाया हुआ है ये कायरल कार्बन नहीं है लेकिन जैसे ही हमने किसी और ग्रुप हाइड्रोजन को हटा के एक और ग्रुप लगा दिया है तो ये वाला कार्बन जो है कैरल कार्बन हो गया इसका कलर अभी मैंने चेंज कर दिया है लेकिन एक चीज और नोटिस कीजिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार इस Z को इस हाइड्रोजन को और एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है आप देख सकते हैं एक बार यहाँ Z है और एक बार यहाँ Z है दोनों दो, दो विपरीत दिशाओं में Z है लेकिन OH को हमने रिप्लेस नहीं किया इस मॉलिक्यूल को हमने इसी तरह से रखा हुआ है और इस इसमें कोई परिवर्तन ऊपर वाले हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं आया यही कारण है कि जब ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं दो विपरीत दिशाओं में लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे जैसे था यहां पर वैसा ही है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है लेकिन क्या ये आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समाव्य भी नहीं है जी हाँ ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशिक समावयवी है इनमें कारल कार्बन है दो दो कारल कार्बन है लेकिन ये जो हिस्सा है वो ये दोनों मिरर इमेज इतने तक ही है बाकी मॉलिक्यूल तो नहीं है यानी पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं है तो ऐसा अगर सिचुएशन uh, आ जाता है ये तभी आता है जब मॉलिक्यूल में एक से अधिक कायरल कार्बन हो तो इस प्रकार के जो आइसोमर्स हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उनको हम के नाम हमसे तो हाइड्रोजन CH, है, है देखते ही पता चलना चाहिए क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसमें एक दो तीन और ये चौथा समूह चारों के चारों अलग है ये वाला जो कार्बन है इसमें दो हाइड्रोजन दो ग्रुप एक जैसे हैं इसलिए ये कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक कायरल कार्बन है इसलिए ये डायस्टीरोटॉपिक तो आईस... जो हाइड्रोजन है ऐसे हाइड्रोजन जिसको हम किसी अन्य ग्रुप Z से रिप्लेस करने पर हमें डायास्टीरियो आइसोमर मिले आइसोमर है ये आइसोमर मिले तो ऐसे हाइड्रोजन को हम डायास्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन है कहते हैं डायस्टीरियो आइसोटोपिक या डायस्ट डायस्टीरियोटॉपिक जो हाइड्रोजन है होते हैं वो हो एनएमआर में एक ही जगह पे एक ही संकेत प्रदान करते हैं तो इनैनशियोटॉपिक और डायास्टीरियोटॉपिक ये हाइड्रोजन एक ही एनएमआर संकेत प्रदान करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स के का की बात कर रहे हैं हम एक और एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं देखिए हमें ये मालूम है कि कोई भी प्रोटोन किसी यौगिक में एक दूसरे से भिन्न जब होता है तो अलग अलग एनएमआर संकेत देता है तो वो भिन्न किन कारणों से हो सकता है भिन्न जो जिन कारणों से हो सकता है उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहला है कि वो अलग अलग क्रियात्मक समूह से वो जुड़े हुए हों जैसे मान लीजिए एन टू से जुड़े हुए हों ओ एच से जुड़े हुए हों सी एच थ्री से जुड़े हुए हों सीओ एच से जुड़े हुए हों तो ये सारे अलग अलग क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए हैं तो अलग अलग हाइड्रोजन होंगे केमिकली डिफरेंट नेबर्स उन वो एक जैसे तो होंगे लेकिन उनके अगर पड़ोसी अलग अलग है तो फिर वो प्रोटॉन्स अलग अलग हो, जा, हो जाते हैं जैसे एक टू के साथ यदि अगर आ, सो, आ, CL जुड़ा हुआ है और दूसरे सी एच टू के साथ सी एच थ्री जुड़ा हुआ है तो ये दोनों अलग अलग होंगे एक सी एच टू के साथ ओ OH एच जुड़ा हुआ है दूसरे सी एच टू के साथ सी एल जुड़ा हुआ है तो ये दोनों सी एच टू एक दूसरे से अलग अलग होंगे <coughs> एक्सक्यूज में तीसरी जो बात है वो है स्टीरियो केमिकल एनवायरमेंट मान लीजिए कि दोनों जो हाइड्रोजन है एक ही तरह के कार्बन से जुड़े हुए हैं लेकिन उनका सिस ट्रांस का रिलेशन है या कोई और स्थिति स्थिति है जो है त्रिविम रसायन जो वो अलग है तो ऐसे में भी वो अलग एन सिग्नल प्रदान करते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बड़ा बढ़िया सा पढ़ते हैं ये है सी एच सी सी एच सी एच सी एल सी एच टू ओ एच सी एच सी एच सी एल सी एच टू ओ एच अगर आप ध्यान से अगर आप यूं ही देखें तो आप बोलेंगे ये तीनों एक संकेत देंगे ये Cl, ये, ये हाइड्रोजन है दूसरा संकेत देगा ये तीसरा संकेत देगा ये चौथा संकेत देगा क्योंकि ये अलग अलग है लेकिन जब हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये, आप देखें कि ये रहा सी एच OH. तो ये है सी एच टू ओ एच तो इस वाले कार्बन को हमने यहां लिखा है उसके बाद है CHCL. ये रहा CH और CL और इसी सी एच सी एल से जुड़ा हुआ है ये सी एच थ्री ये है इसका सॉ सौ हॉर्स फॉर्मूला और जब हमने इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में चेंज किया तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा अब आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए कि इसमें सी एच थ्री और ओ एच प्रोटोन जिसका मैंने रंग हर प्रोटोन का अलग रखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि ये एक प्रोटोन दूसरे प्रोटोन से अलग है सी एच थ्री प्रोटोन और ओ एच प्रोटोन की बात करें तो ये सी एच थ्री प्रोटोन और ये ओ एच प्रोटोन एक दूसरे से भिन्न इसलिए है क्योंकि ये केमिकली एक दूसरे से रासायनिक रूप से एक दूसरे से अलग है इसका रिएक्शन अलग होगा इसके इन प्रोटोन का रिएक्शन अलग होगा तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है ये जो हरे वाला H और लाल रंग का H है ये H और ये एच एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है उसके कार्बन में सीएल जुड़ा हुआ है और ये जो लाल रंग का एच है उसके कार्बन में ओ OH एच जुड़ा हुआ है यानी निकटवर्ती जो समूह है वो रासायनिक रूप से अलग अलग है एक में सीएल है और एक में ओ OH एच है तो इसके निकटवर्ती जो समूह है वो रासायनिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ये एच और ये एच एक दूसरे से डिफरेंट है फिर हम बात करते हैं नीला एच और ये लाल एच ये दोनों हालांकि इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं ये दोनों उस कार्बन से जुड़े जिसमें ओ एच है तो ये दूसरे एक दूसरे से भिन्न क्यों है एक दूसरे से भिन्न इसलिए है ये देखिए कि इसकी जो छाया है वो सी एल और सी एच टी से निकलती है जैसे जैसे कि ये वाला ये सी एल और सी एच टी से निकलती है ये जो लाल रंग का हाइड्रोजन है उसकी छाया जो है वो सी uh, एल और एच के बीच में से निकलती है तो आप देख रहे हैं सी एल और एच के बीच में से इस लाल वाले हाइड्रोजन की छाया निकल रही है यानी कि इनका जो स्टीरियो केमिकल एनवायरमेंट है वातावरण है वो एक दूसरे से अलग है ये हाइड्रोजन सी और सी से घिरा हुआ है ये हाइड्रोजन सी और एच से घिरा हुआ है तो उसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन भी एक दूसरे से अलग होंगे क्योंकि इनका मैग्नेटिक एनवायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा तो हम देखते हैं कुल कितने हाइड्रोजन कितने प्रकार के हाइड्रोजन हुए इसमें कुल पांच प्रकार के हाइड्रोजन हुए वन टू थ्री फोर और फाइव ये दोनों सी एच टू हाइड्रोजन एक दूसरे से भिन्न होने के कारण इसमें कुल पांच प्रकार के हाइड्रोजन हुए और ये जो कंपाउंड जो कि यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है वह पांच एन एमर देगा इसलिए एग्जामिनेशन में जब भी आपको कोई फॉर्मूला मिले उसको आप खोल कर देखिएगा खोल कर लिखिएगा अपनी कॉपी में और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कहीं सिस्ट्रांस तो नहीं है कहीं इस तरह से केमिस्ट्री उनकी अलग तो नहीं है नेबरिंग ग्रुप्स के साथ उनका स्टीरियोकेमिकल जो रिलेशन है वो अलग तो नहीं है अगर अलग है तो वो अलग सिग्नल प्रदान करेंगे मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको जो इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट और एनिमार संकेतों की संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा थैंक यू फॉर बींग मी